नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके लिए गोरा फेस पाने के आसान उपाय। आज के समय में हर महिला की चाहत है कि उनकी स्किन गोरी हो और फेयर स्किन उनकी सुंदरता को भी बढ़ाती है। दोस्तों आज का यह नुस्खा काले चेहरे को भी गोरा बना देगा और चेहरे को और अधिक गोरा भी बनाएगा। इसके साथ साथ आपके चेहरे की हर प्रकार की समस्या को भी दूर करेगा। अगर आपके फेस पर अत्यधिक पिंपल्स, मुहासे या ऑयली स्किन है और इसके साथ साथ बेजान डल स्किन के लिए भी ये उपाय बहुत ही अच्छा है और चेहरे को दूध जैसा गोरा बनाएगा और फेस की हर प्रकार की समस्या को भी दूर रखेगा। इस उपाय को आप रोजाना अपने फेस पर अप्लाई करके फेस को दूध जैसा गोरा बना सकते हैं। तो चलिए उपाय आपको कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चल सके। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ घरेलू चीजों का प्रयोग करना होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको दही, जिसको हम कर्ड कहते हैं, दही का प्रयोग करना होगा। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी स्किन को विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपकी स्किन यंग बनी रहती है और आपकी स्किन समय से पहले रिंकल्स नहीं आते। इसके साथ साथ यह एक नेचुरल एस्ट्रोजेंट भी है जो फेस पर जमा गंदगी को नेचुरल तरीके से क्लीन भी करता है और फेस एक्स्ट्रा क्लियर होकर वाइट नजर आने लगता है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। दोस्तों चंदन पाउडर आपके फेस को ग्लोइंग और चमकता दमकता बनाने में आपकी हेल्प करता है और आपका फेस ग्लो करने लगता है। फेस पर मौसम का नुकसान ना हो, यह एक प्रकार की प्रोटेक्शन शील्ड आपके फेस पर चढ़ा देता है, जिससे आपका फेस मौसम के इफेक्ट से बचा रहता है और फेस दूध जैसा गोरा बना रहता है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है बेसन, जिसको हम ग्राम फ्लावर कहते हैं, क्योंकि बेसन आपके फेस के लिए एक नेचुरल स्क्रबर का भी काम करता है, जिससे फेस के ब्लैक हेड्स, रफ स्किन दूर हो जाती है और एक फ्रेश चमकती दमकती स्किन नजर आने लगती है। दोस्तों अगली चीज है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी फेस को वाइट बनाने में तो आपकी हेल्प करती ही है, साथ ही फेस के पिंपल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करके कम करके उनको रिमूव करके करने का काम भी करती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है जिससे आपका फेस पिंपल्स, एक्ने सभी दूर रहते हैं और आपका फेस गोरा चमकता दमकता रहता है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट है एक चुटकी हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर जिसे हम कहते हैं। दोस्तों हल्दी एक एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में काम करती है और ये आपको फेस के ऊपर होने वाले अनचाहे नुकसान को भी रोकती है। दोस्तों इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक बाउल में 2 चम्मच दही, 1 चम्मच चंदन पाउडर, 1 चम्मच ग्राम फ्लावर बेसन का पाउडर और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 1 चुटकी हल्दी और 1 लेमन का जूस इसमें डालकर इसे अच्छी प्रकार से मिक्स कर लें, पेस्ट बना लें और लेकिन इसको फेस पर लगाने से पहले अपने फेस को रोज वाटर से साफ कर लें ताकि डस्ट से आपका फेस साफ हो जाए। और अब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करें और पेस्ट को लगाकर हल्की हल्की उंगलियों से मसाज करें और इसे लगाकर आधे घंटे के लिए अपने फेस पर लगे रहने दें और आधे घंटे बाद अपने फेस को वॉश कर लें। इस प्रकार इसे रोजाना करने से आपका चेहरा दूध जैसा गोरा चमकने लगेगा और अनचाही प्रॉब्लम, पिंपल्स, एक्ने और या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी और आपका फेस हमेशा के लिए चमकता दमकता रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज का नुस्खा, जिसको करके आप अपने चेहरे की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं और उसे गोरा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वे भी इसी का फायदा उठा सकें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।